मंडी में 24 सितंबर को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवा संकल्प रैली को लेकर सदर भाजपा की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंगलवार को सर्किट हाउस बिलासपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुभाष ठाकुर ने विशेष रूप से शिरकत की। वहीं इसके अलावा हमीरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के प्रभारी एवं भाजपा नेता असीम गोयल ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवा संकल्प रैली में जरूर भाग लें। उन्होंने कहा कि मंडी में होने वाली भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि इस रैली में सैकड़ों युवाओं की भीड़ उमड़ेगी। वहीं सदर विधानसभा क्षेत्र के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी इस रैली में अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाएंगे। उन्होंने युवा मोर्चा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि मंडी में होने वाली रैली में बढ़ चढ़कर भाग लें। उधर इस मौके पर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने युवाओं से आह्वान किया कि इस ऐतिहासिक रैली में बढ़ चढ़कर भाग लें। जी, इस देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मंडी में युवा मोर्चा और युवाओं को संबोधित करने के लिए 40 साल से नीचे जो युवा हैं, यह पहली बार हो रहा है कि मंडी में हिमाचल प्रदेश में या युवाओं की रैली हो रही है। इसमें युवाओं में बहुत उत्साह है और इसमें बिलासपुर सदर चुनाव क्षेत्र से हमें टारगेट 2000 का दिया है। हम 3000 युवा यहाँ से, हमारे युवा मोर्चा की जो बैठक हुई उसमें तय हुआ है कि हम 3000 युवाओं को यहाँ से लेके जाएंगे। युवाओं में इसलिए भी उत्साह है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा, जिन्होंने हमारे भारत देश को पूरी दुनिया में आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से और एक सम्मानजनक दृष्टि से हमें भारत देश के नागरिकों को पहुंचाया है। उसके लिए युवा बहुत उत्साहित है और निश्चित तौर पर यहाँ से युवा पूरे दमखम के साथ और यहाँ से जाएगा भी, और युवाओं में उत्साह भी है। आने वाले दिनों में युवा एक निर्णायक भूमिका निभाएगा और भारतीय जनता पार्टी को बिलासपुर से भी विजय दिलाएगा और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।